عليكم ورحمة الله وبركاته وإن جاهداك على أن تشرك بما ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون بشك هر قسمك تعرف بلاي أو حمد سنا खालिस अल्लाह वाला शरीक के लिए लायक व जेबा है जो यको तनहा और अकेला इस पूरी कायनात का खाल मालिक और राज है और फिर बेशुमार सलाम हो हम सब के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी शाफ महशर साकी कौसर हादियो रहबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ला वसम पर आपके उम्मती होने का हमें शर्फ हासिल हुआ और आपकी रश्दो हदायत आप किसी भी सच्ची और सही तालीमत के ज़रिए हमने सही और ग़लत के दरमियान तमीज़ की आज की इस नशस्त में आपके सामने मैं जिस मौजु के तहत कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ अगर वालदे मुशरक हों तो औलाद के ऊपर उनके ताल्लुक़ से क्या हकूक़ हैं और अगर वालदे मासीत के गुनाह के शिरया कामों के करने का हुक्म दें तो हमारे ऊपर क्या वाजिबात और फ़राइज हैं आपको इससे पहले वाले नशस्त में ये बताया गया था कि वालदान के साथ हसन सलूक की क्या कैफियत और क्या तरीक़े होने चाहिए यानी हमारे तरफ से वालदे के साथ क्या बर्ताव हो होना चाहिए उनके साथ किस तरीके के तल्ल होने चाहिए चुनाच बनी इसराइल के आयत नंबर तेईस के अंदर जो कुछ भी वजाहत थी वो आपके सामने पेश की गई थी सरसरी तौर पर सिर्फ उसका उस उसायत करीमा और उसका तर्जमा आपके सामने पेश कर देना मुनासिब समझता हूँ अल्लाहआलम ने इशात फरमाया وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا करीमा। कि तेरे रब का ये फैसला है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो अकेले उसी की इबादत करो और अपने वाले देन के साथ उसने सलूक करो उन्हें उफ तक न कहो और ना ही उन्हें झिड़को और उनसे गुफ्तगु करो तो नरमांदाज से गुफ्तगु करो वहुमा जना हजुल्लम रहमत का बाजू उनके लिए बिछा दो वक़् रबा कमा रब सगीरा उनके लिए दुआएं करो अल्लाह जैसे उन्होंने हमारे बचपन में तरबियत की थी अल्लाह इसी कदर उनके ऊपर तो रहमत नाजिल फरमा ये सारे के सारे ओसूल और जबते मुशर वालदेन के साथ भी हैं उनको भी उसी तरीके पर खुशी पहुंचाने की कोशिश करना है अपनी तरफ से खिदमत के तमाम तर जो कुछ भी मुतालबात हैं वो सारे के सारे पूरा करना है जिस तरीक़े पर मुस्लिम और मोमिन वालदे के लिए आए हैं इस सिलसिले में आपको एक रिवायत भी सुनाता चलूँ, अन तभी बकरिन रजील तुम क़ालतमत वही मशरक तन फ़ी अहद रसूल सल्लास फस्तफ़ते नबी वस फकुल यारसूल इन उम्मी कदीमत वही राब तम्मी कल सली उम्म की मुतफकन अलही और वो मुझसे मुलाकात करना चाहती है वो मुशर है क्या मैं उनके साथ सिला रही करूँ क्या मैं अपने वालदा के साथ जैसा कि उनके हकूक की अदायगी का हुक्म दिया गया है मैं अपनी मुशरिका वालदा के साथ भी वैसे ही करू आपने फरमाया नाम हाँ सिली उम के अपनी वालदा के साथ ऐसे ही अच्छे अंदाज से हसने सलूक करो और उनके साथ अच्छा बर्ताव करो उनके साथ सिला रहमी का मामला करो बुखारी मुस्लिम की रिवायत हैं इस रिवायत की रोशनी में हमें यह बात मालूम हुई कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि उनके वालिद या वालिदा कोई भी एक मुशरिक है चुनान उनके साथ भी तमाम तर हस्न सलूक अच्छा बर्ताव उनकी खिदमत का जो भी मामला एक साहिब ईमान वालदेन के लिए है ऐसे ही मुशरिक या मशरक वालदेन के लिए भी है अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वालदेन मशरक या मशरक वालदेन इस बात पर उभारते हैं कि हम भी शिरक करें नौजबिल्ला या हमसे गुनाह के काम करवाना चाहते हैं या यूं अमूमी तौर पर बसाओकात कभी वालदेन गुनाह के काम करने पर उभारते हैं तो उस वक्त हमारा क्या रद्द अमल होगा हमारा क्या मामला होगा इस सिलसिले में सुरमान की आयत करीमा है आयत नंबर पंद्रह बहुत ही जामे और माने जिससे मुकम्मल तौर पर इस सवाल का जवाब वाज हो जाएगा رب اللي عزتني ارشاد فرمايا وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه. नेर्षात फरमाया कि अगर वो लोग तुम्हें शिरक पर उभारें अगर वो लोग किस बात पर उभारते हैं कि मेरे साथ शिरक करो गोया अल्लाह के साथ शिरक पर उभारते हैं जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं है फला तो हम तो हरगिज़ तुम उनकी एतहत ना करना उनकी इस मामले में फर्मा बरदारी ना करना उनके हुक्म की बजावरी ना करना यह नहीं कि हाँ वालदे की एत फ़र्ज है लिहाजा चलो अब वो इस बात का हुक्म देते हैं तो हम उस काम को करने लगे या वो मामला अंजाम देने लगे नहीं हरगिज़ ऐसा नहीं करना है वाहिबुम फिद दुनिया मरूफा उनकी फर्मा बरदारी हमारे साथ शिव करने में हरगिज नहीं करना है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनकी फर्मा बरदारी छोड़ दो उनके साथ उसने सलूक छोड़ दो उनकी एतवाद छोड़ दो हरगिज ऐसा नहीं है बल्कि अल्लाह ने फरमाया वाहिबाफ दुनिया मारूफ दुनियावी मामिलत में उनके साथ अच्छाइयां करो भलाइया करो हुसन सलूक करो अच्छा बर्ताव करो उनकी खिदमत का जो हक है वो हक़ अदा करो अल्लाह और उसके रसूल ने जिन हकूक़ की अदायगी का तुम्हें हुक्म दिया है उन हकूक़ की अदायगी में किसी भी किस्म की कमी और कोताही ना करो उनके साथ जिस तरीके पर पेश आना चाहिए उनकी खिदमत का जो अंदाज़ होना चाहिए उनसे गुफ्तु का जो तौर और तरीक़ा है उनके लिए हसन सलूक का जो भी मामला अल्लाह उसके रसूल ने मुतिन किया है वो सारी की सारी चीज़ें उनसे करो गोया कि दीन के मामले में वालदेन की नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की सुनो दुनियावी मामला में अपने वालदे का पूरा पूरा ख्याल करो वाहिब मनिया मा मारूफ़ अपने वालदेन की दुनियावी मामलात में अच्छायाँ और भलाइयाँ करो आगे अल्लाह ने फरमाया वह तब सबी लमन अना और उन लोगों की पैरवी और इतबा करो कि जो लोग मेरी तरफ मेरे रास्ते पर हैं जो मेरे रास्ते से भटक गए उनकी इतबा न करो गोया कि उन्हीं लोगों की इस रुए ज़मीन पर तुम्हें इतबा करने की एतात और फर्मा बरदारी करने की उन्हीं लोगों की बात मानने का तुम्हें हक हासिल है जो मेरे रास्ते पर हैं और जो मेरे तरीके पर हैं और जो मेरे तरीके पर नहीं मेरे रास्ते पर नहीं गुमराही के रास्ते पर हैं जलालत के रास्ते पर हैं शैतान की इतबा करते हैं हरगिज़ उनकी इतबा और इत न कर रोम मैं इले अमरु ज्यो कुम फू फिर ये बात याद रखो कि मेरी तरफ लौट करके आना है और फिर जो कुछ तुम दुनिया में किया करते थे मैं तुम्हारे एक एक अमल के बारे में तुम्हें खबर दे दूंगा एक एक अमल के बारे में तुम्हें बता दूंगा मेरे कहे हुए के मुताबिक तुमने ज़िंदगी गुजारी या नहीं गुजारी तुमने अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी में हराम हलाल का फर्क किया या नहीं किया तुमने शिर्क किया आमाल अंजाम दे दिए उनके कहने पर या नहीं अंजाम दिए तुमने मासीत का गुनाह के कामों का इर्तिकाब किया या नहीं किया उनके कहने पर इन सारी चीजों के बारे में ये सारी तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं एक एक चीज के बारे में मैं तुम्हें कल बरोज़ कयामत जब तुम हमारे पास आओगे लौटाए जाओगे तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा उस वक्त तुम्हारे सारे अमाल से मैं तुम्हें बाखबर करूँगा और तुम्हें मुतनबह करूँगा मेरे भाई और दोस्तों इस आयत करीमा की रोशनी में गोया कि हमें यह बात मालूम हुई कि या कोई भी शख्स अगर रसूल की नाफरमानी पर उभारता है, हुक्म देता है तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे इस सिलसिले में एक रिवायत आपके गोशे गुजार करता हूँ बुखारी की रिवायत है अल्लाह के नबी सरशाद फरमाया क्या फरमाते हैं कि किसी भी शख्स के लिए इस बात की इजाजत नहीं दी गई कि वो अल्लाह की मासीत में किसी भी किस्म की एतायत करे हरगिज़ एतायत नहीं करना है कोई भी ऐसा काम कोई भी ऐसा अमल कि जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो अल्लाह और उसके रसूल की एतात के बरखिलाफ हो हर गिज़ उस अमल को अंजाम नहीं देना है इन नातफिल्माफ एतात व फरमा बरदारी सिर्फ उन्हीं कामों में करना है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है इसी तरीके से एक रिवायत आती है आपने इर्शाद फरमाया ला ताअत मखलूकन फी मासी खालिक मखलूक के लिए एतात किसी भी तरह से इजाज़त ही नहीं है कि खालिक की मासियत करता रहे यानी अल्लाह की मासीत में मखलूक की एतात जायज ही नहीं कोई भी आप काम कर रहे हो कि जिस काम में किसी ने आपको ऑर्डर दिया हुक्म दिया आप उस काम को करते जा रहे हैं और अल्लाह की नाफरमानी हो रही है इस बात के लिए कतई इजाज़त नहीं है गोया कि किसी भी शख्स की बात पर अमल करना उसी वक्त उसी सूरत में हमारे लिए जायज हो सकता है जब तक अल्लाह की एतात और फरमा हो वरना हमारे लिए इस बात की हरगिज इजाजत नहीं है इस सिलसिले में दो एक बातें आपके सामने मिसाल के तौर पर वाजे कर दूं। हजरत साद इब्ने अभी वक़ास रजी अल्लाह मशहूर सहाबी हैं ये वो सहाबी हैं जिन्होंने समंदर में घोड़े दौड़ा दिए थे यही हजरत साद इबिन अभी वास रजी अल्लाह जब ईमान कबूल करते हैं दायरे इस्लाम में आते हैं तो उस वक्त इनके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी और तमाम सहब कराम जो भी इस्लाम कबूल करते थे ईमान के दायरे में आते थे उस वक्त उनके लिए बड़ी बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ता था हजरत सात बिन नबी वास रजी अल्लाह तु के सामने ये आजमाइश है कि उनकी वालदा जो उनसे हद दर्जा मोहब्बत करती थी जो इनके बगैर रह नहीं सकती और ये जो अपनी वालदा से हद दर्जा मोहब्बत करते थे बेतहा उनके साथ हसन सलूक करते थे हमेशा दोनों एक दूसरे का ख्याल करते थे आलम यह है कि इनके ईमान और इस्लाम के कबूल करने की वजह से वालदा मोहतरमा ने खाना पीना छोड़ दिया बड़ी बुरी कंडीशन हो गई हालत बिल्कुल नाजुक हो गई है जिसम बिल्कुल लागर हो गया है प्यास और भूख की शिद्दत से निढाल हो चुकी हैं परेशान हाल हैं हजरत साद वक्कास रजी अल्लाह अन्हों के ताल्लुक से उन्होंने सोचा अब तो इनका दिल नरम पड़ जाएगा अब तो इनका दिल नरम पड़ जाएगा लेकिन कुर्बान जाइए हजरत साद बिनी वक्कास रजी अल्लाह तनो ने क्या जवाब और क्या शानदार जवाब दिया है आबे जर से लिखे जाने के काबिल है उन्होंने कहा या उम्मा लऊकानत लकी मतु नफसिन फरजत नफसन नफसन मा तरक्तु हाजत दीन अम्मा जान अगर आपके लिए एक सौ जान आपके जिस्म के अंदर हो और बारी बारी एक, एक मरतबा आपकी वफात होती जाए यानी सौ मरतबा आपके जिसम में जान आए और सौ मरतबा आपकी वफात हो जाए इसी कंडीशन की वजह से इन्हीं चीजों की बिना पर फिर भी मैं इस दीन को छोड़ने वाला नहीं हूँ आप चाहे खाना खाओ आप चाहे पानी पियो या खाना पीना तर्क कर दो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है मैं अब इस दीन को जिस दीन इस्लाम को इख्तियार कर लिया हूँ हर गिज़ इसको छोड़ने वाला नहीं हर गिज मैं इसको छोड़ नहीं सकता ये कितना अहम और कितना ज़्यादा बेहतर जवाब था हजरत सात बिन नबीव रजी अल्लाह तनों की तरफ से कि उन्होंने अपने वालदा की हरगिज इस मामले में तात नहीं की कि गुनाह के काम इरतका करें गुनाह के काम अंजाम दें इसी तरीके पर हजरत इब्राहिम अल्लात कितने अच्छे अंदाज से उन्होंने अपने वालिद साहब को जवाब दिया है उनके वाल साहब ने मुख्तलिफ अंदाज से जब देखा कि बेटा मानने वाला नहीं है किसी भी सूरत में वो मानने को तैयार नहीं है घर से बेघर करना पड़ रहा है ये सारी की सारी चीज़ें हैं और कितने अच्छे अंदाज से उन्होंने कहा अब्बा जान वजुम अब्बाजान मैं आपको भी और जिन चीज़ों को आप पुकार रहे हैं अल्लाह को छोड़ कर उन सारी की सारी चीज़ों से मैं बेजार हूँ और उन सारी की सारी चीज़ों से बारात चाहता हूँ और इस चीज़ की वजात القرآن الكريم من يوبي أية نے ارشاد فرمایا "قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله"

तुम से भी और जिनको तुम पुकारते हो उनसे भी पूरे तौर पर मैं बरी हूँ महरगज उसमें मुलविस नहीं तो मेरे भाइयों और दोस्तों ये चीज़ हमेशा मद्देनजर नज़र रखनी चाहिए कि हम अपने वालदे की यकीनन यकीनन खिदमत करेंगे उनकी तमाम तर उनके अहकाम को भजा लाएंगे हर मौके पर जिस तरीके पर उनकी खिदमत का हक है वो हक अदा करेंगे लेकिन ये कि हम उनके उन कामों को भी लबैक कहते रहें कि जो अल्लाह की मासीत पर उभारते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शर्क करने पर उभारते हैं उन कामों में हम हरगिज़ उनका साथ नहीं दे सकते क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया शिरक की मजम्मत बयान फरमाते हुए अल्लाह ने फरमाया अल्लाह शिरक को कभी नहीं करता अल्लाह इस चीज को हरगिज नहीं माफ कर सकता कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए और शिरक के अलावा जो भी गुना अल्लाह रबीन जिस शख्स के लिए चाहे माफ फरमा दे गोया की शिरक एक ऐसा खतरनाक और अजीम जुर्म है ऐसा खतरनाक गुनाह है कि जिस गुनाह के करने के बाद जब तक इंसान तोबा न करे जब तक इंसान अपने शर्क के त्लुक़ से अल्लाह के हजूर रोकर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी न तलब करे तब तक अल्लाह रब्बुल रब्लम माफ नहीं फरमाता इसीलिए हम अपने वालदे के वो तमाम की तमाम बातें उनके हुक्म के मुताबिक करेंगे जो अल्लाह की मासियत या अल्लाह के साथ शिरक करने पर ना हो और जो काम उनके अच्छे और भली बातों के ताल्लुक से हैं उन तमाम चीज़ों पर हम बाकायदा अमल करेंगे कि जिसमें अल्लाह की या उसके रसूल की नाफरमानी नहीं होती है तो उन अमाल को हम बखूबी और शौक़ के साथ अंजाम देंगे इस सिलसिले में चंद बातें आपके गोशे गुजार खास तौर पर करते हैं कभी कभी बसा ये मामला भी सामने आता है कि वालदेन अपने औलाद में से किसी को तलाक पर उभारते हैं बहू की तलाक पर उभारते हैं ऐसे मौके पर हमें क्या करना होगा ये बात याद रखिए कि आपको इस बात पर खास ध्यान देना होगा कि उनका इस बात पर उभारना कि बीवी को तलाक दे दो आया ये उनका कहना सही है या गलत है वो बीवी से नाराज होकर के किसी बात पर खफा होकर के ऐसा कर रहे हैं या उसकी दीनदारी और उसके सोमोसलाद की पाबंदी में कमी की वजह से कर रहे हैं अगर उनका तलाक दिलवाना या तलाक पर उभारना बजा है जायज़ है दुरुस्त है तो फिर हमें इस बात को भी कबूल करना होगा और अगर वो यूं ही कोई दिल में उनके ताल्लुक़ से मुमकिन है कभी किसी किस्म का बोग हसद या कीना हो या कोई और वजह हो इस तरीके की चीज़ों पर या उनके दिमागी तोज़ुन ठीक नहीं है वो अब सही और गलत के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाते लिहाजा इन चीज़ों की बिना पर अगर वो उभारते हैं या तलाक़ देने की बात करते हैं तो फिर याद रखिए लाता मखलूकिन फ़ीमातल यहाँ पर अल्लाह की नाफ़रमानी हो रही है लिहाजा अल्लाह की नाफरमानी करते हुए के नहीं की जाएगी। दो एक बातें अगर वक्त खत्म हुआ चाहता है लेकिन दो एक बातें और भी खास तौर पर अर्ज करना मुनासिब समझता हूँ, जो मौजूद से जुड़ी हुई है वो यूं कि बसा औकात बच्चों की तरफ से ये देखने में आता है वो किसी से शादी करने के लिए अपने वालदेन के ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं यानी मजबूर कर देते हैं वो इस बात पर और जबरदस्ती करते हैं मेरे भाई और दोस्तों बच्चों की तरफ से ये जोर जबरदस्ती करना ये ऐसा करना ये सही और दुरुस्त नहीं है जिन वाल ने आपको बचपन से पाला पोसा है आपका कदम कदम पर ख्याल किया है उस वक्त जब आप चलने फिरने के लायक नहीं थे आपको गोद ले लेकर के लंबे लंबे सफर किए हैं आपको गोद ले लेकर के उन्होंने हर तरह की परेशानी और मुश्किलें झेली है आप जब खाने पीने के लायक नहीं थे उन्होंने अपने जिसम के खून को दूध की शक्ल में आपके लिए गज़ा के तौर पर आपके पेट में मुंतकिल किया है मेरे भाई और दोस्तों वो माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए हमेशा से अपने बच्चों को गलत तरीके से किसी के यहाँ शादी करने पर मजबूर करते हैं मसला बच्ची जिससे शादी करना है वो दीनदार ना हो या सोमो सलाद का पाबंद ना हो इस्लामी शरीय का पाबंद ना हो तो वालद को इस तरीके से बच्चों की बात माननी चाहिए गोया कि रिश्ते के मामलत में वालदान को या बच्चे को हमेशा दीनदारी का ख्याल करना चाहिए न यह कि अपने जज्बात का या अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी का बल्कि जिस चीज़ का आदमी को ख़ास ख्याल करना है वो दीनदारी का ख्याल करना है बच्चा अगर दीनदार लड़की से शादी करने के लिए मजीद है तो उसी से शादी करानी चाहिए बच्चा अगर गैर दीनदार लड़की से शादी करना चाहता है तो वालदेन को समझाना बताना चाहिए और बच्चे को अपने वालदेन की बातों को मान लेना चाहिए अल्लाह रबालमीन से दुआ है बारा हमें किताब व सुन्नत की सही समझ अमल के तोफ़ी अता फ़रमा अलमीन वालदेन के साथ खिदमत का हसन सलूक का जो असूल और ज़ाबता किताब व सुनत की रोशनी में हमने जाना और सुना है एमिन उसी के मुताबिक हमें अपने वालदेन की खिदमत की तोफ़ी अता फ़रमा आमीन व आखिर दावाना अलहमदिल्लाबी वालेक वरमि वरक ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें